घसकने में इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस जनरल कोच में ना। देख रहे कहीं खड़े होने के लायक भी जगह नहीं मिल रहा है भाई, चलिए अंदर। ये है भाई लगेज वैन, लगेज वैन में ये हालत है। ग्रीन कोच विद ग्रीन लोकोमोटिव। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफर में। मैं स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी का सहरसा जंक्शन से, और आप सभी के लिए जर्नी कवर करने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही फेमस ट्रेन वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है दोस्तों 12553, जो कि सहरसा से अपने नई दिल्ली के बीच में चलती है प्रतिदिन। और ये लग रही है दोस्तों अपनी वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। यहाँ देखिए दोस्तों बस एक ही कोच जनरल का है दोस्तों, वैशाली एक्सप्रेस को लगा दिया गया है सहरसा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और यहाँ पे है दोस्तों फर्स्ट क्लास, देख के नहीं चल रहा है। तो दोस्तों वैशाली एक्सप्रेस जो अपनी रेलवे में 50 साल पूरे कर चुकी है, और जब उस समय शुरुआत हुआ था इस ट्रेन का तब इसका नाम जयंता जयंती था, काफी कम हॉल्ट पे रुका करती थी और समस्तीपुर तक ही चला करती थी। अब दोस्तों ये सहरसा तक चलती है, तो चलिए एक बार आपको स्लीपर दिखा देते हैं। जनरल में तो देखिए लगभग सब सीट बुक हो चुका है, बस नॉर्मली अगर बैठेंगे तो सीट मिल जाएगा, लेकिन स्लीपर देख रहे हैं आप लोग अभी इसके पैसेंजर भाई बिल्कुल नहीं आए हैं, खाली 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 आएंगे जब ट्रेन को निकलने में आधा घंटा लगभग रहेगा तब आएंगे इसका पैसेंजर। तो भाई देखिए सुबह सुबह 5 रुपये में 1 लीटर पानी आप लोग भरा सकते हैं, और भाई दोपहर होते होते तो भाई इसकी कितना जरूरत होने लगता है तो जानते ही इस मौसम में। फिलहाल तो दोस्तों स्लीपर में ही बैठे हैं, जनरल में तो सीट मिला नहीं, देखते कहां तक जा पाएंगे इस स्लीपर में, क्योंकि हमारा सीट तो है नहीं, सीट ऑर्डर कहां से आते हैं। तो सवारी लोग आ चुके हैं भाई धीरे धीरे, निकलने का समय हो गया था, भीड़ देख रहे भाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है दोस्तों। काफी सारी गरीब रथ को LHB कर दिया गया, तो पुराने जो रेक है कई जगह से वो स्पेशल बन के चल रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं सहरसा से भी एक चल रही है आनंद विहार के बीच में, जो कि जयनगर का गरीब रथ एक्सप्रेस का उसका रेक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसका अराइवल हो रहा है, देखिए आप लोग उसका। ग्रीन कोच विद ग्रीन लोकोमोटिव। तो ये देख लीजिए दोस्तों ये जयनगर वाली गरीब रथ एक्सप्रेस का ही रेक है दोस्तों, जो कि इसमें एक समर स्पेशल फेयर के साथ चलाया जा रहा है, क्योंकि वो गरीब रथ तो दोस्तों अब LHB हो चुकी है। इसी तरह मुजफ्फरपुर गरीब रथ को भी मुजफ्फरपुर से स्पेशल फेयर रेक के साथ चलाया जा रहा है, तो रेलवे गजब का फायदा कमा रही है। सामने खड़ी है दोस्तों राज्य रानी एक्सप्रेस और अपनी जर्नी जो हो रही है वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, जिसका सिग्नल हो चुका है, तो चलिए चढ़ते हैं। आज का दोस्तों अपना लोकोमोटिव है WAP 7, जो कि कानपुर शेड का है दोस्तों, जिसके देखिए लगेज वैन में भी काफी पैसेंजर है, जहाँ से भाई व्यू काफी अच्छा था। चलिए पहले हम उसी में चलेंगे। काफी लंबा हॉर्न मारे भाई। तो चलिए दोस्तों हमारे ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, देख रहे हैं ग्रीन फ्लैग को लहराया जा रहा है, और इधर देखिए डिपार्चर हो गया दोस्तों हमारे ट्रेन का सहरसा से, बगल में कहीं लाज जा रही है क्योंकि 10-20 मिनट बाद वो भी निकलेगा। लगेज वैन में खड़े हैं दोस्तों, बोर्ड भी साफ साफ दिख रहा है। Thank you.
दोस्तों फिलहाल स्किप करें हम लोग सिमरी बख्तियारपुर को। देखिए स्लो स्पीड में से स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसके मेन लाइन पे जो है ना मालगाड़ी, ये देखिए, और काफ़ी पैसेंजर लोग हैं हमारे साथ ही इस लगेज वैन में ही जर्नी कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग देखिए स्किप इसका, देखिए दोस्तों इधर मक्के की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। सामने दोस्तों अपने लिए जो है ब्रिज पे जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पीछे का व्यू, देखिए यहाँ से देखिए कोसी को, इसमें बहुत बाढ़ आता है भाई, जिसको सोक कहा जाता है, सोक ऑफ बिहार। देखिए दोस्तों छोटी लाइन की भी कुछ अस्थि तो दिख रहा है यहाँ पे, जो कि पहले रेल पुल हुआ करता था, अब उसे रोड पुल बना दिया गया है। ये देखिए दोस्तों ये पैसेंजर जो आ रही है ये कटिहार की तरफ से आ रही है, और अपनी ट्रेन जो है अब मानसी जंक्शन पहुंच रही है। वजन कम होगा भाई, ये देखिए क्या हो रहा है भाई साहब, एक नंबर पे लगा रही है दोस्तों मानसी जंक्शन। पहले के समय का शायद ये दोस्तों टर्न टेबल हो सकता है। तो दोस्तों दिल्ली जाने वाली सवारी इसमें काफी दिख रही है प्लेटफॉर्म पे, जो कि इसका हालत और खराब करने वाली है। अब यहाँ से आगे चलते चलते इसमें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ बढ़ते ही चले जाता है भाई। देखिए दोस्तों पहले ही हॉल्ट से काफी इसको पैसेंजर मिल रहा है। जय हो बिहार। अभी आपको देखते हैं जनरल सीट में सीट लूटने का कैसा मंजर रहता है भाई। यहाँ देखिए भाई, कह रहे थे आपको ना, यहाँ पे पैसेंजर देखिए जनरल में भाई साहब चढ़ने के लिए मार हो रही है यहाँ पे, तो देख रहे कैसे हर एक गेट पे ऐसा ही हाल है भाई। फिलहाल दोस्तों 42 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम अपनी जर्नी के पहले हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है मानसी। मानसी दोस्तों ये आती है अपनी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पे है चार प्लेटफॉर्म, जिसके प्लेटफॉर्म नंबर एक पे लगी अपनी ट्रेन। और मानसी दोस्तों अपनी आती सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर डिवीजन के अंदर। चलिए यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, 7:38 की अराइवल था, 7:35 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। भीड़ देख रहे हैं भाई आप, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। देखिए कितना स्ट्रगल करके इसमें चढ़ना पड़ेगा फिर से। तो चलिए दोस्तों अपने ट्रेन का हो चुका है यहाँ से भी डिपार्चर, निकलते हैं मानसी के बाद। देखिए अपने इस लगेज वैन में भी काफी पैसेंजर बढ़ चुके हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ
यात्रियों वाली पैसेंजर में ही है, लगेज वाला भी फुल होते जा रहा है। पहुंच चुके हैं दोस्तों खगड़िया जंक्शन। काफी रफ्तार में प्लेटफॉर्म पे ले रही है अपनी ट्रेन। आप देख रहे हैं ये है भाई लगेज वैन। लगेज वैन में ये हालत है, तो भाई ये देखिए कितना हालत है। से दीदी लोग चढ़ेंगी भाई वसूली मैम, जो कि अब इसमें वसूली शुरू हो जाएगा बड़ा। तो भाई 51 किलोमीटर तक की अभी जर्नी हो चुकी है और अपनी जो है ट्रेन वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है अपनी जर्नी के दूसरे हॉल्ट खगड़िया। खगड़िया पे दोस्तों इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, जहाँ पे काफी पैसेंजर मिले हैं इसको दिल्ली के लिए। और वसूली वाली दीदी लोग भी चढ़ चुकी है जनरल कोच में, जो कि यहाँ से अब वसूली लगातार शुरू हो जाएगा भाई। और देख रहे हैं आप लोग हर स्टेशन पे लगभग इतना ज़्यादा पैसेंजर भर रहे हैं भाई, ये दिल्ली तक तो फुल पैक ही चलता है। अभी भी काफ़ी फुल पैक चल रही है, काफ़ी पॉपुलर ट्रेन है भाई, तो इसमें भाई टिकट का भी बहुत इशू रहता है, काफ़ी जल्दी मिलता नहीं है। दोस्तों खगड़िया से निकल चुकी है अपनी ट्रेन और फिलहाल हम लोग आ चुके हैं जनरल कोच में। जनरल कोच का हालत देख रहे भाई साहब, यहाँ पे खड़े खड़े होके जाना पड़ेगा। क्यों भाई दिल्ली तक जा रहे हो? देख लो दिल्ली तक भाई ऐसे ही जाना पड़ रहा है, सीट तो मिला नहीं है क्योंकि, और ऐसे कैसे जाया जाएगा भाई साहब दिल्ली, समझ रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा मुश्किल हो रही है। चलिए अब आप अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर के बाद। अरे छूट रहे भाई, जल्दी चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ किसी कोच में, चढ़ो चढ़ो। ये चढ़ गए एक एक करके, काफी लेट कर दी ये लोग आने में। और दोस्तों कुछ ऐसा नजारा है भाई साहब जनरल कोच का, देख रहे कहीं खड़े होने के लायक भी जगह नहीं मिल रहा है भाई। चलिए अंदर चल के देखेंगे क्या हाल है। ट्रेन में तो भाई साहब भीड़ काफी ज्यादा है और ट्रेनों की साफ सफाई के लेकर भैया कुछ कह रहे, बताइए कैसे भैया कह रहा हूँ। सबसे गंदा है, पूरा बाथरूम भरा हुआ है, तो जब आया है तो रोज का पूछता है वैशाली से, बोला कोई फुर्सती नहीं है, बाथरूम की साफ किया नहीं गया है। देख रहे इतनी मुसीबत से वैसे जाना पड़ रहा है साहब, फालतू का और साफ सफाई बिल्कुल नहीं है भाई, कम से कम आराम से जा नहीं सकते, तो कुछ कुछ करने के लिए तो भाई साफ सफाई करनी चाहिए ना रेगुलर। इसमें नहीं आते जनरल कोच में भाई, आप लोग ऐसे में देखेंगे बराबर सफाई मेंटेनेंस बनी रहती है भाई। और देख रहे हैं जा करके देखिए ना, बाथरूम दिखा दीजिए पूरा भीड़ है, बाथरूम भाई दिखाने लायक नहीं है, आपको क्या दिखाया, सफाई नहीं है। और भाई जनरल कोच में 10 रुपए का पेड़ा आप लोग खाइए भाई, काफी मजेदार पेड़ा खाइए, भैया दसे का है ना, दसे का पेड़ा है ना कि बढ़ा के बेच रहे हैं, मस्त खोएदार पेड़ा खाइए भाई। थोड़ा थोड़ा सा घसकने में इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस जनरल कोच में ना, मैं लगभग गेट पास में ही है, यहाँ तक आने में 10 मिनट लग गया भाई, क्योंकि जगह बिल्कुल है नहीं। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ट्रेवल करना पड़ रहा है काफी लोगों को। चैनल भाई रोहित इस ब्लॉग पे आ जाएगा, अपने भाई भी जा रहे हैं जल्दी, इन्हें लगा दो बच्ची तो नहीं लिए, अरे तब तो ऐसे ही खड़े खड़े जाना पड़ेगा आपको भी। देख रहे हैं वसूली दीदी भी आ रही है, मांग के चली जा रही है पैसे, और ऐसे कैसे चलेगा भाई साहब। तो भाई हमने भी पेड़ा खरीदा है भाई, पेड़ा तो भाई काफी अच्छा है भाई, बढ़िया अच्छा है, लेकिन 10 रुपए में ठीक है, 15 से 2 रुपए तक और अच्छा होता है। गाड़ी जो है अब पहुंचने वाली है बेगूसराय, तो चलिए वहां पे उतरते हैं। तो पहुंच रहे दोस्तों अपनी गाड़ी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार यानी कि बेगूसराय।
तो भाई हर एक जगह पे हर स्टेशन पे कुछ ऐसा ही हाल है, ऐसा ही मंजर है भाई चढ़ने का। और भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं ऑलरेडी कितना ज्यादा अपने ट्रेन में। अच्छा चलिए उतरिए। मैं 91 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है बेगूसराय, जिसको बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे अराइवल टाइम है बेगूसराय में 9:35 पे पहुंची, तो ज्यादा लेट नहीं, बस 15 मिनट का यहाँ पे डिले हुआ है दोस्तों अभी तक अपने ट्रेन में। तो चलिए ऐसे ही चलता रहा तो काफी समय से दिल्ली पहुंच जाएगा ये ट्रेन। हम तो नहीं जाएंगे भाई, मूड तो था दिल्ली चले, लेकिन जैसा हालत है ज्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। क्या स्टेशन कौन है दोस्तों? BGS यहाँ पे है, 4 प्लेटफॉर्म जिसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी थी अपनी वैशाली सुपरफास्ट, जो चल भी पड़ी है। चलिए चढ़ते हैं। तो चलिए बेगूसराय से भी अपनी गाड़ी जो है निकल चुकी है, आप लोग यहाँ से डिपार्चर देख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों फिलहाल अपनी गाड़ी जो है बहुत हैवी तरफ से चल रही है। और ये है बाईपास लाइन भाई, जो कि बरौनी को बाईपास करके निकल जाती है सीधा राजेंद्र पुल होते हुए। तो पहुंच रही है दोस्तों अपनी वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस अपनी जर्नी के एक और हॉल्ट बरौनी पे। ये देखिए पानी वाले चलते चलते दौड़ जाते हैं भाई, चढ़ जाते हैं। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है भाई बरौनी पे भी, और यहाँ देखिए। और इधर लग चुकी है दोस्तों लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, लगी नहीं है भाई ये आ चुकी है, एक्चुअली जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुकी है। जब सहरसा से निकले थे भाई तब स्लीपर का कंडीशन कुछ खाली खाली ही था, लेकिन अब देखिए सभी पैसेंजर अपने अपने जगह पे आ चुके हैं, और काफी सारे वेटिंग लिस्ट वाले भी अपनी जगह पे मतलब स्लीपर में ही आ चुके हैं। लुटी तो आना मत भाई, करें भाई मात्र 10 मिनट डिले के साथ अपनी ट्रेन जो है वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी जर्नी की 4th हॉल्ट जो की है बरौनी जंक्शन। और अपनी ये और अपनी दोस्तों बरौनी जो है यह थी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए पानी फिलिंग किया जाता है भाई, यहाँ पे भी फुल हो चुका है और उस वाले डोर पे भी फुल हो चुका है, तो यहाँ पे पानी फिलिंग किया जाता है, काफी कोच में पानी भर दिया गया है। और एक बात कहना चाहेंगे भाई, बिना टिकट का तो मत आइएगा कभी भी, आपको दिखाया ये देखिए पूरा ग्रुप बैठा है भाई। बाय बाय बरौनी।
और यहाँ देखिए अपनी क्रॉसिंग हो रही है टाटा थावे के साथ जो कि बछवारा पे हो रही है, और यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है लेकिन सिग्नल भी नहीं है। ये दोस्तों क्रॉसिंग नहीं हो रहा, अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है टाटा थावे को। ओहो, उस ट्रेन के पैसेंजर उतर के अपनी ट्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए आंटी को देखिए, दीदी लोग को देखिए, आप लोग रुक जाएगा दीदी लोग, आप लोग आराम से बस आइए। पहुंच रहे भाई दलसिंह सराय, जो कि अब इसका एक नया हॉल्ट भी है, पहले यहाँ पे नहीं रुका करती थी ये वैशाली। लीजिए भाई साहब, यहाँ पे भी हॉल्ट दे ही दिया इसको, नहीं देना चाहिए तो वैसे इतना ज़्यादा तो हॉल्ट ऑलरेडी है ही इसका। वैसे आपको बता दें तो ये पांचवा हॉल्ट है अपनी इस वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस का, जिसके स्लीपर में भी चढ़ने के लिए बाप रे ऐसी भीड़। तो यहाँ से निकल रही भाई गोंदिया एक्सप्रेस, आ रही है चल के गोंदिया से बरौनी तक चलती है भाई, काफ़ी अच्छी ट्रेन है वैसे ये भी, क्योंकि इसमें सीट हमेशा मिल जाता है जनरल में भी। तो पहुंच रहे हैं दोस्तों हम लोग अब समस्तीपुर जंक्शन पे। की जर्नी कवर करके अपनी ट्रेन वैशाली एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है अपनी जर्नी के छठवें हॉल्ट जो कि है समस्तीपुर जंक्शन, जिसको हम अब छोड़ देंगे भाई, इसके आगे अब हम नहीं जा पाएंगे बिना रिजर्वेशन का, इसमें थोड़ा तो दिक्कत हो पा रहा है। लेकिन आपके लिए किसी समय इसका फुल जर्नी करेंगे, वो भी दिल्ली से सहरसा तक। फिलहाल ये छोटी सी जर्नी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम। तो निकल चुकी है दोस्तों वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इनकी छूट रही है। चलिए दोस्तों इसको यहीं पे विदा करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।